अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क ऑन काउंट ऑन बुक 3. एज वी हैव लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 5. दिस क्वेश्चन वी हैव टू डू ऑन द नोटबुक. ये कॉपी पे करना है आपने. उसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा गाइड कर देती हूँ. ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है. ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ. दिस इज़ सो ईजी. जस्ट यू हैव टू प्रिपेयर द पेज 18 होमवर्क 18A 2020 होमवर्क इन ट्यूजडे यूनिट नंबर 2 नंबर्स एंड ऑपरेशंस. पेज नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 5 राइट प्रोडक्ट्स इन योर नोटबुक. मैं पार्ट नंबर ए लिख के बता रही हूँ. ए बी सी मैंने लिख दिए हैं, बाकी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी एल एम एन ओ तक है, ठीक है. ओ आपने खुद लिखने बाकी ओ तक. 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज फर्स्ट पार्ट. 7 टेंस आर 70, ये तो डायरेक्ट पता चल जाता है. 23 मल्टीप्लाई बाय 10 एक जीरो है, तो 20 के साथ 3 के साथ एक जीरो आ जाएगा, तो 230 बन जाएगा. 321 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 321 के साथ एक जीरो ऐड कर देंगे तो 3210 बन जाएगा, राइट. रिमेनिंग पार्ट्स भी इसी तरह हैं. कुछ पार्ट्स में नंबर आगे लिखा हुआ है और 10 नंबर पहले है और 10 आ गया, और कुछ पार्ट्स में 10 पहले है और नंबर आ गया. फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ये देख लें, यहाँ पे पहले नंबर है और यहाँ 10 है, और इस पार्ट में देखें यहाँ पे पहले 10 है और यहाँ नंबर है, ठीक है. तो सीक्वेंस में वही आंसर आएगा. जैसे 5 6 है तो 10 तो 560 हो जाएगा, 560 हो जाएगा, ठीक है. अब ये होमवर्क करने के बाद नोटबुक पे आपने फिर पेज नंबर निकाल लेना है 72. यू विल राइट डेट ऑन दिस पेज 18/8/2020 क्लास वर्क एंड देन डे इज ट्यूसडे. दिस इज द पेज. मैंने आपको ये करवा दिया, ठीक है. अब आपको मैंने ये मेथड सिखाया था 6 मल्टीप्लाई बाय 9 6 9 जार 54 54 के साथ एक जीरो ऐड हो जाएगा, ठीक है. 540 जो आंसर आएगा उसके साथ ऐड होना है. अब 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 आता है, ठीक है. 16 के साथ ये दो जीरोज़ है तो यहाँ दो जीरोज़ लग जाएंगे, ठीक. 12 फाइव जार कितने होते हैं 60, ठीक है. और 60 के साथ ये दो जीरोज़ ऐड कर दें, ठीक है. ये इस तरह से सॉल्व करना है. नीचे भी देख लें, ये भी बहुत ईजी है. 510 जार तो 5 1 5 होता है, तो 10 से कर दें तो इट मीन्स एक जीरो हंड्रेड्स के साथ ऐड हो जाएगा. 500 बनता है ना दो जीरो से, ठीक है. और एक ये समझ आ गई. आपने सिंपली इसमें ज़ीरो ऐड कर देना है. ये भी 9 1 9 है, ज़ीरो इसके दो और दो एक ज़ीरो इसका, ठीक है. 400 है, 400 ये ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 400 ज़ीरो होता है. दिस इज़ द रिमेनिंग पार्ट आपने खुद करना है. कम टू द पेज 73 पेज पे आपने डेट लिखनी है. डेट इज 18/8/2020 क्लास वर्क इन ट्यूजडे. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स. रिकॉल हाउ बीना राइट्स द मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम इन अ वर्टिकल फॉर्म. नाउ लुक एट दिस 32 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है. 32 को 15 से करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, मैं आपको इस स्टेप को समझाने के बजाय डायरेक्टली ये स्टेप समझाती हूँ. फर्स्ट देन लास्टली, ठीक है. शी मल्टीप्लाइज 32 बाई 5. 32 को पूरे से 5 से करना है. शी मल्टीप्लाइज 32 बाई 1 और इस पूरे 32 को फिर 1 से करना है. ही एड्स द प्रोडक्ट्स, फिर दोनों प्रोडक्ट्स को, ये दो प्रोडक्ट्स हो गई, इनको ऐड करना है. आपको मैंने बताया हमने पहले 5 को इन दोनों नंबर से करना है. 5 2 10 0 1 कैरी, 5 3 15 प्लस 1 16, यहाँ 16 हो गया. अब जब नेक्स्ट नंबर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ या ज़ीरो लगाते हैं या फिर क्रॉस लगाते हैं. अब आपकी मर्ज़ी है, ज़ीरो लगाएं क्रॉस लगाएं. मैं क्रॉस इसलिए लगवाती हूँ क्योंकि ज़ीरो में बच्चे समटाइम्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये ज़ीरो कहाँ से आया, तो क्रॉस बच्चा याद रखेगा कि ये रूल है, ठीक है. सेकेंड नंबर पर जाएंगे तो एक क्रॉस लगता है. अब 1 2 2 आ गए यहाँ पे और 1 3 3. आपने ये ध्यान करना है नंबर्स के नीचे नंबर आए, ठीक है. तेरा मेरा नहीं लिखना, अंडरस्टैंड. नंबर के नीचे एग्जैक्टली नंबर आना चाहिए, तेरा मेरा नहीं लिखना, ठीक है. फिर उसके बाद ये दो जो नंबर्स आए हैं इनको आपस में प्लस कर लेना. 0 प्लस क्रॉस 0 6 प्लस 2 8 3 प्लस 1 4 480 इज आंसर. अब नेक्स्ट 53 मल्टीप्लाई बाई 48 है, अगेन इसको सेम तरीके से सॉल्व किया है. 8 3 24 4
टू कैरी, 8 5 40, 40 प्लस 2 42, 42 लिख दिया। नेक्स्ट नंबर पे जाने से पहले यहाँ पे जीरो की जगह क्रॉस आ गया, ठीक है, आप जीरो डालें क्रॉस डालें दोनों चीज़ें ठीक होंगी। 4 3 12 2, अब ये डबल कैरी आ गया, ये 1 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये सेकेंड नंबर का कैरी है, इसके साथ कैरी नहीं लगाना, ऊपर लगाना है, ठीक है। 4 5 20 21, ठीक है, डबल कैरी हमेशा ऊपर इसलिए लगाते हैं ताकि आपको याद रहे कि आप सेकेंड नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन फिर आप प्रोडक्ट्स को प्लस कर लेंगे, 4 प्लस अक्रॉस 4, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 एज इट इज़ नीचे आया 2544, राइट। पेज नंबर 73 से अब आ जाएं आप 74 पेज पे, ठीक है, 74 पेज पे आपने देखना है क्या है। इसी तरह आपको नंबर सॉल्व करके बताए गए हैं, डेट लिख लें 18/8/2020, क्लास वर्क एंड ट्यूजडे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बाई 2 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट्स हैं और 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें। 4 3 12 2 1 कैरी हो गया, 4, अब ये नंबर तीनों से होगा, ठीक है, फिर ये नंबर तीनों से होगा। 4 3 12 2 1 कैरी, 4 2 8 प्लस 1 9, कैरी हमेशा आंसर में प्लस होता जाता है, 4 2 8। अब 2 3 0, अब सेकेंड नंबर के बाद क्रॉस स्टार्ट करने से पहले क्रॉस लग जाता है, 2 3 0 6, 2 2 0 4 और 2 2 0 4। अब ऐड 2 में क्रॉस ऐड करेंगे, 0 2 नीचे एज इट इज आ गया, 9 प्लस 6 15, ठीक है, 5 1 कैरी, 8 में 4 ऐड हुए 12, 12 प्लस 1 13, 3 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 5352। अब ये देखें, ये पूरा टर्म 4 से मल्टीप्लाई होके ये आंसर आया, ये पूरी टर्म 2 से मल्टीप्लाई होके ये आंसर आया, ठीक है, आपको समझ आ रही है। या 20 से उन्होंने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। आपने एक क्रॉस लिख देना है, उसके जीरो डाल देना। वर्क आउट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट्स, 25 मार्क्स ऑफ वाटर कैन फिल 1 बकेट, हाउ मेनी मार्क्स ऑफ वाटर विल बी नीडेड टू फिल 28 सच बकेट्स, नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ वाटर फॉर 1 बकेट, नंबर ऑफ बकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 8 5 40 04 कैरी, 8 2 16 17 18 19 20 20 आ गया, यहाँ आएगा क्रॉस, 2 5 10 01 कैरी, डबल कैरी गया, 2 2 4 प्लस 1 5, 0 0 5 2 7 700 इज द आंसर, द टोटल नंबर ऑफ मार्क ऑफ वाटर इज 700। नेक्स्ट पेज पे अब रिप्लेस डैश बाय नंबर्स, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपने वो लिखना है, ठीक है, ये आपने खुद सॉल्व करना है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये इसको क्रॉस कर दें, ये भी आप मत करें, ये मैं नहीं करवा रही। 18/8/2020, ये कन्फ्यूजिंग है बच्चों के लिए तो इसलिए मैं नहीं करवा रही। 0 W एंड डे इज ट्यूजडे, मेंटल मैथ स्ट्रेटजीज फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बाय सिंगल डिजिट, 15 × 3, फर्स्ट डबल 15 टू गेट 30, ठीक है, 15 और 15 क्या होते हैं, 30 होते हैं, 30 में 15 और डालें 45, तो 15 3 0 45, आपको ट्रिकी मैथ्स बता रहे हैं यहाँ पे। बी पार्ट मल्टीप्लाइंग विद मल्टीपल्स ऑफ 10, 10 5 0 50, 100 5 0 500, 1000 5 0 5000, ठीक है। सी पार्ट मल्टीप्लाइंग बाय 2, डबल और ऐड द नंबर्स, 35 2 0, 35 35 दोनों प्लस कर लेंगे तो 70, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 4, डबल द नंबर देन डबल अगेन, 43 + 43 86 86 + 86 172, तो 43 4 0 क्या होगा, 172। इस नंबर को हमने 4 दफ़ा ऐड कर लिया ना, ये 2 दफ़ा करेंगे तो ये आएगा, अब इसको अगले 2 दफ़ा करेंगे तो हमारे पास 172 आ जाएगा, समझ आई। ई पार्ट मल्टीप्लाइंग बाय 5 6 53 5 टाइम्स, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 10 1/2, ठीक, तो अब 63 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 आ जाता है, हाफ से करेंगे तो 63 का हाफ कर लें, 630 का हाफ तो 315 आता है, ठीक है, 6 का हाफ होता है 3, 30 का हाफ होता है 15, 630 का हाफ हो गया 15, ठीक है, या इसको डिवाइड कर लें 2 से तो आपके पास आंसर आ जाता है 315,
63 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 315। मल्टीप्लाइंग बाई 6, मल्टीप्लाई बाई 3 एंड देन डबल द नंबर, 3 से मल्टीप्लाई करें और नंबर को डबल करें। 26 मल्टीप्लाई बाई 3 52 प्लस 26 इक्वल्स टू 78। ठीक है, एक दफा क्या करेंगे, 26 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 52। 52 में एक दफ़ा 26 ऐड करेंगे 78, और 78 को फिर डबल कर लेंगे तो 156, तो 26 सिक्स आर 156, राइट। ये डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 8, डबल 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 एंड डबल अगेन। 23 और 8 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 23 3 46, 46 46 92, 92 92 184। ठीक है, तो 23 को 8 टाइम्स जब प्लस किया है हम लोगों ने, मतलब कि उसमें ऐड अप करते गए नेक्स्ट नंबर, तो हमारे पास 184 आंसर आएगा, राइट। मल्टीप्लाइंग बाय 9, अब मल्टीप्लाई बाय 10 देन सब्ट्रैक्ट द नंबर। अब 55 नंबर है, 55 इंटू 9 करना है, अब 55 मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं, ठीक है, 550 आ जाता है। इसमें से आपने क्या करना है, एक दफ़ा 55 को निकाल देना है, 550 माइनस 55 495, तो आंसर 555 90 होगा 495। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज पेजेस। अब नेक्स्ट जो है हमारा वर्क करने वाला पेज है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज पेजेस, इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वर्क इन आर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।